गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखा। कहते हैं ज्ञान में बहुत ताकत होती है। मैं आपको वो तीन सिंपल उपाय बताना चाहता हूं जिसकी जानकारी से, नॉलेज से आप दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी से बचे रह सकते हैं। खुश रहने के लिए जानकारी। WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, उसके अनुसार हर 2 मिनट में एक इंसान की मौत इस बीमारी से हो रही है। अकेले भारतवर्ष में हर 8 या 9 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस बीमारी का नाम है रेबीज, जिसे हिंदी में हल्कापन या पागलपन भी कहा जाता है। इससे बचने के जो 3 सरल उपाय हैं वो हैं ज्ञान मतलब जानकारी, दूसरा पालतू कुत्ते या बिल्ली का टीकाकरण और तीसरा अपना टीकाकरण जरूरत पड़ने पर। ये बीमारी हर इंसान या हर जानवर को हो सकती है। कोई भी पृथ्वी पर ऐसा जानवर या इंसान नहीं है जिसको ये बीमारी ना हो सकती हो। इसलिए जब भी आप किसी दूसरे जानवर के संपर्क में आए तो ये ध्यान रखें कि वो पागल है या नहीं है। पागल होने की अवस्था में उससे बच कर रहें, उससे दूर रहें और पागल जानवर को मार दिया जाना चाहिए। विशेष करके कुत्तों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से आगे फैलती है। कुत्ते में एक अवस्था ये भी है कि बीमारी डंप फॉर्म में भी आ सकती है कि वो पागलपन वाले लक्षण ना आए और कुत्ते को पैरालिसिस हो, बैठ ही जाए, चलना फिरना बंद कर दे, खा पी ना सके और 5-7 दिन में मृत्यु हो जाए। ऐसे केसेस की पहचान थोड़ी सी मुश्किल होती है और उस समय में अगर उसकी थूक हमारे स्किन के कंटेक्ट में आ जाती है, हमारी चमड़ी में कोई एब्रेजन हो, कट हो, जख्म हो, घाव हो, उस पर कुत्ते पागल कुत्ते की थूक लग जाए तो वहाँ से वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जीवाणु विषाणु जब भी वो प्रवेश कर जाते हैं तो वो हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाना शुरू कर देते हैं और जब ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो उस समय पे पागलपन के लक्षण आते हैं और लक्षण आने के बाद मृत्यु जरूर हो जाती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है या होनी चाहिए कि जब वो वायरस नर्व के थ्रू ऊपर जा रहा है, जिसमें कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं, तो उस समय पर हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें और इतना प्रोटेक्टिव बना लें कि उसको रास्ते में ही ख़त्म किया जा सके। दिस इज़ ए फाइट अगेंस्ट टाइम टू किल द वायरस। उपाय नंबर 1 जानकारी। आप अपने बच्चों को बताइए कि अपने पालतू कुत्ते के अलावा बाहर के आवारा कुत्ते या जंगली जानवर या जू में बंधे हुए जानवरों के साथ पेटिंग करना, खेलना, उनको लाड़ प्यार करना, टच करना वो काम नहीं करें। इवन कोई मरा हुआ जानवर भी पड़ा है तो उसको हाथ लगाने से पहले देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। सावधानी बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे जो पार्क में खेलने जा रहे हैं, गलियों में खेलने जा रहे हैं, उनमें इस बीमारी के होने की संभावना बहुत है, क्योंकि पागल होने के बाद कुत्ता भागता है, दौड़ता है, काटता है या और दूसरे पागल जानवर, चाहे वो गायें, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, कोई भी हो, पागल होने के बाद वो काटता है। इसलिए उसकी पहचान करना, उसे बचे रहना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपने घर पर कुत्ता पाला हुआ है या बिल्ली को पाला हुआ है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से उसको रेगुलर वैक्सीनेशन करवाएं, जैसे कि 3 महीने की उम्र में, 9 महीने की उम्र में, और उसके बाद हर साल अपने पालतू कुत्ते को डिवर्मिंग करवा के एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, जिससे वो कुत्ता पागल ना हो और हम में वो बीमारी फैलाए नहीं। फिर भी अगर किसी इंसान को, आपके मित्र को, परिवार में किसी सदस्य को कोई पागल जानवर या कुत्ता काट लेता है तो फिर क्या करना चाहिए? वो तीसरा उपाय है कि सबसे पहले उस जख्म को अच्छे से साबुन पानी से धोना है। बच्चा है तो रोएगा, धोने नहीं देगा, आप उसकी चिंता ना करें। खूब अच्छे से जख्म को साबुन से और पानी से, बहते पानी से खूब अच्छे से धो दीजिए और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगा दीजिए, उस पर क्रीम लगा कर उस पर पट्टी मत बांधिए। कोई अंधविश्वासी कहेगा कि मिर्च बांध दो, ये बांध दो, वो बांध, बांधना बिल्कुल नहीं है। और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिल के और एंटी रेबीज वैक्सीन जो लगानी है वो शुरू करवा दीजिए। उसी दिन टीका लगेगा, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और फिर 1 महीने बाद उसको जो टीका लगना है वो पूरा शेड्यूल उस टीके के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो करें।
टीका जहाँ से खरीदें एंटी रेबीज वैक्सीन वाला, तो ये इंश्योर कर लें कि वो कोल्ड चेन में हो, फ्रिज में से उसी समय निकाला गया हो। अगर टीका सही से स्टोर किया गया है, सही समय पे लगाया हुआ है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि हम में वो इफ़ेक्ट करेगा और हमें रेबीज नहीं होगी। वैक्सीन फेल्योर सिर्फ कोल्ड चेन ब्रेक होने से या गलत टाइम पे लगाने से ही होते हैं। आप उससे बच गए हैं, आपको बीमारी नहीं हुई है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी बताएं। हाँ, कुछ केसेस में जब कुत्ता बहुत ज़ोर से काट जाए, बहुत सारी थूक, बहुत सारे ज़ख्म कर दे और बहुत सारी थूक अंदर चली जाए और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि हमें ये रेबीज ना हो, तो आप किसी लेबोरेटरी से मिलके अपने खून की जांच करवा लें। वो उसमें एंटी रेबीज एंटीबॉडी टाइटर्स को चेक करेंगे और उसमें अगर वो प्रोटेक्टिव लेवल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक या दो टीका एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। इससे ये बीमारी से पूरा पूरा बचाव हो सकता है। बीमारी के वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत भयंकर होते हैं। भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन हो रही है क्योंकि ये बीमारी आसपास है। सावधान रहें, खुश रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दें, लाइक करते रहें ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।